अगर आपका लक साथ दे नहीं पा रहा, काम एक्सपैंड हो नहीं पा रहा, पैसा आता है बट नुकसानों में चला जा रहा है, पैसों की किल्लत होती चली जा रही है, तो कौन से ऐसे जबरदस्त उपाय से हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ, कैसे आप दोस्तों। वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश की आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, बॉस्टिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों, अभी तो लाइव आई थी बट मैंने कुछ कुछ उपाय आपको बताने थे तो वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। और जिन लोगों ने आपको लाइव इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जिसमें हम लोग फ्री भी गाइडेंस करते हैं। कल मैंने वैसे बहुत जबरदस्त वीडियो धनतेरस की बनाई थी, आरिका मैम, आरिका शाइना जंतरमन मिरिकल पे भी बनाई थी आरिका मैम ने, तो वो आप चैनल भी वो भी सब्सक्राइब करके रखो। अब सबसे पहली चीज ये है, कई बार कहते हैं ना काम नहीं चल पाता, बिक्री हो नहीं पाती। मैं कहती जो मर्जी जो मर्जी, अभी शॉपिंग करने के लिए जाओगे, एक कोई भी अपना जिसको बोलते हैं ना जो काम का सामान है, एक आपने उस चीज की खरीदारी जरूर करनी है। हालांकि मैंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, लोहे का सामान हो गया, ये सारी चीजें हो गई, नहीं खरीदना। बट अगर मान लो राहु का सामान कौन सा हुआ, जैसे जो भी इलेक्ट्रॉनिक है, दैट इज वो किसका एलिमेंट हो गया, राहु का एलिमेंट हो गया, सीधी सी बात है। लेकिन अगर कोई है ही फोटोग्राफर, कोई भी अपनी, जैसे किसी ने कैमरा खरीदना था, इतने दिन से सोच रहे थे, आज खरीद लो, कोई बात नहीं, ये तो काम का सामान है, हमारी रोजी रोटी है, बात खत्म हो जाती है ना। तो अब जैसे डॉक्टर्स हो गए, डॉक्टर का क्या, जैसे थर्मोमीटर ले लो, है कि नहीं, स्टेथोस्कोप होता है वो ले लो, कोई बात नहीं। उसके ऊपर जब आप घर पे लाओगे, उसको हल्दी केसर का जो तिलक लगाकर आपने अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख देना, जो भी जैसे बैंकर्स हो गए, उन्होंने अपना पेन खरीदना है, जो भी जो भी जो भी एक चीज उसको खरीद कर उसके ऊपर एक पीला धागा बना दो और हल्दी केसर से तिलक करके अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख दो। दूसरी चीज आपको बता देती, मैं कहती धन की समस्या नहीं खत्म हो रही, कोई काम पनप नहीं पा रहा, समझ नहीं आ रहा, भैया करे तो करे क्या, नेगेटिव दशा चल रही है। मान लो अगर अंतर दशा में 6-8-12 का कॉम्बिनेशन आ गया, ये तो जो लोग कंसल्टेशन लिए उनको पता ही है, मैं आगे तब तक कंसल्टेशन में नहीं बढ़ती जब तक पास्ट के इवेंट मैच ना हो जाए, सीधी बात है ना। तो अगर मान लो अगर 6-8-12 का कॉम्बिनेशन है, 5-8-12 का कॉम्बिनेशन है, क्या होएगा, नुकसान पे नुकसान, जितना एफर्ट करोगे पता नहीं क्या, किस्मत साथ नहीं दे रही, कोई बात नहीं, ऊपर वाले से बड़ा तो कोई कुछ होता नहीं, जहां तक मुझे लगता है ना, लगता क्या मुझे पता ही है, हमारी गाड़ी तो कहते ना जिंदगी की, वो उनके ऊपर ही छोड़ी हुई है, कब कैसे क्या हो रहा है, हो जाता है, होता चला जाता है, क्या करोगे। आज रात को अगर मेरे को जो जो कहते हैं ना दिल से फॉलो करते हो, एक बार मेरी बात मान के आज रात को अभी जाकर 108 कमल गट्टे ले आना। कमल गट्टे लाने के बाद में रात को आपने हवन करना है, क्या कहते हैं, गाय का उपला या आम की लकड़ी, देसी कपूर, घी डालकर अग्नि जला देनी है। ओम श्रीम रीम श्रीम कमले कमला लाए, प्रसीद प्रसीद श्रीम रीम श्रीम मां लक्ष्मी नमः स्वाहा, एक आहुति दे दी कमल गट्टे, घी लगाकर आहुति दे दो। ओम श्रीम रीम श्रीम कमले कमला लाए, प्रसीद प्रसीद श्रीम रीम श्रीम मां लक्ष्मी नमः स्वाहा। दूसरी मैं कहती हूं इतना देखना, मैं तो वैसे तो 5 दिन अगर कर सको तो क्या कहने, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम आज कर दो और दिवाली पे के दिवाली रात तो कर ही देना, है कि नहीं। अपनी चीजें अपने को ही ठीक करनी पाशा लोगों, नहीं तो क्या है, दशा ने अपना काम करना है, एक वेटर का काम मैंने अभी लाइव में भी क्या बोला, खाना सर्व करना है, शेफ का काम खाना बनाना है ना, वैसे ही नेगेटिव दशा का काम ही यही है, उनको इंस्ट्रक्शन दी हुई है इसका बैंड बजाना है, है कि नहीं। फिर पाखंड की दुकानों पे इधर उधर 2.5 लाख पूजा, 2 लाख पूजा, पोटली ले लो, नग ले लो, ओपल ले लो, पन्ना ले लो, रिश्ते प्यार वापस आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बेवकूफ अपने को बनाओगे, अपना इतना मेहनत की कमाई मुंह में ठूसोगे, इससे बेटर जो जो बता रही हूं करो, जुड़ो उस परमात्मा से, क्या दिक्कत वाली बात है। एक और चीज बता देती पाशा लोगों, रात को आपने है ना प्रदोष काल में या वृषभ काल में आपने या निषिद्ध काल में 8:30 से 11:30 आपने क्या करना है, 13 घी के दीपक या तिल के तेल के दीपक आपने जला देने हैं माँ के आगे। इसके साथ में एक एक कौड़ी रख दो, एक एक कौड़ी रख दो, वहां पर बैठकर श्री सूक्तम का पाठ, सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ,
ये आपने और अर्गला स्तोत्र का पाठ पढ़ो, बोल बोल के मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बोलो जप जप जप। इसके बाद में वो जो कौड़ियां होंगी आपने हर कोने में अपने घर के हर दिशा में जाकर बीच बीच में कहीं भी रख दो, गाड़ सकते हो गाड़ दो, गाड़ोगे कहाँ है ना वो फर्श पे, लेकिन कहीं पर भी किधर भी अच्छे से उसको स्थापित कर दो। ऐसी एनर्जीज उत्पन्न होएगी जिसकी कोई हद बात नहीं। एक और चीज बता देती, 21 दाने चावल के लेकर लाल सिंदूर में आपने उसको मिक्स कर देना है, लाल सिंदूर लगाकर 21 दाने चावल के रख देने हैं। अब आपने इसके ऊपर, मैंने आपको बताया था ना 11 माला कौन सी करनी है, ओम लक्ष्मी नमा ओम लक्ष्मी नमा ओम लक्ष्मी नमा, इस चीज की करनी है बराबर। अब ये भी पढ़ लेंगे हम श्री सूक्तम का पाठ और सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ बराबर, ठीक है, और अर्गला स्तोत्र का पाठ। इसके साथ में एक तो ओम लक्ष्मी नमा अगर कर रहे हो वो कर लो, या ओम श्रीम रीम श्रीम कमले कमलालाय प्रसीद प्रसीद श्रीम रीम श्रीम माँ लक्ष्मी नमा, इस चीज का, या ओम श्रीम नमा ओम श्रीम नमा ओम श्रीम नमा पोटली, ये सारी पूजाएं जो कर रहे हो अभी मंत्रित कर रहे हो इकट्ठे भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। अब आपने क्या करना है, ओम ह्रीम कुबेराय नमः इस चीज का जप 108 कर लो, या फिर वो जो जबरदस्त वाला आपको एक मंत्र बताया था ओम, और या फिर एक जो आपको जबरदस्त वाला उपाय मंत्र बताया था आपको याद है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः, जबरदस्त जबरदस्त 108 बार करके इसको लाल कलर के कपड़े में बांध के अपने साउथ ईस्ट में वो ऊपर टांग दो। साउथ ईस्ट किसका एरिया बताओ, इनकमिंग फाइनेंसेस का। ये जब हम करेंगे कितना अभिमंत्रित हो गया, इसको टांग देंगे क्या होएगा, बेड़ा पार होएगा, धन की समस्या आहिस्ते दूर होती चली जाएगी। ये चीज है ना पाशा लोगों, आज के लिए इतना ही, और फिर से आऊंगी, कोई ऐसी बात नहीं, क्या पता हूं क्या पता ना हूं, है कि नहीं, ये तो फॉलो करो। और जिनको कंसल्टेशन चाहिए व्हाट्सअप करना, मैं कॉल नहीं उठा पाती, फ्री में कंसल्टेशन मत मांगा करो, मेरा काम है, मेरा करियर है, मेरी रोजी रोटी, कैसे बताऊं, आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। पाशा लोगों लाइव में कितना बताती हूँ आकर, फ्री गाइडेंस भी करती हूँ, जितना बन पड़ेगा ना उससे 100 गुना क्या हजार क्या लाख गुना करूंगी, बट थोड़ा मेरी भी हालातों को समझो, मेरी चीजों को समझो, है कि नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। बाकी वास्तु की क्लासेस, टैरो रीडिंग की क्लासेस, रजिस्ट्रेशन ऑन है, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो। पाशा लोगों अब लाइक क्यों नहीं करते वीडियो, फिर मैं डराऊं, ये मेरा स्पेशल पंडित पूजा करेंगे, ओहो दोष है नहीं ना, फिर आप में अच्छे बंदे को सच्चे बंदे को लाइक नहीं करते, बुरा लगता है, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके, शेयर करो शेयर इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए, ओके देन बाय बाय, नमस्कार।